क्या आपने कभी सोचा है कि काश आप एक पावरफुल जादूगर या साइकिक होते? क्या आपने कभी चीजों को गायब करना, लोगों के दिमाग को पढ़ना या उनके एक्शन को कंट्रोल करना चाहा है? खैर, अपने अंदर के जादूगर को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं कुछ अद्भुत मैजिक ट्रिक्स का खुलासा करने वाला हूँ जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आप उनके दिमाग के अंदर हैं। फ्रेडीज में 5 कार्ड। चलिए शुरुआत करते हैं दाईं वर्नोन के 5 कार्ड मेटल फोर्स से। कैनेडियाई जादूगर दाईं वर्नोन के नाम से जाने जाने वाली ये ट्रिक 20वीं सदी के क्लोजअप मैजिक के सबसे प्रसिद्ध ट्रिक्स में से एक है। कहा जाता है कि उसने हैरी हुडनी को भी बेवकूफ बनाया था। इस ट्रिक की शुरुआत आपके द्वारा 5 कार्ड बिछाने से होती है, जो हार्ट का किंग, क्लबों का 7, डायमंड का 1, हार्ट का 5 और डायमंड का 9 है। यहाँ इन कार्ड्स की पोजीशन महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे उसी ऑर्डर में रखें। इसके बाद आप इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि आप अपने दोस्त के दिमाग को कैसे पढ़ेंगे और प्रेडिक्ट करेंगे कि वो कौन से कार्ड को पिक कर रहा है। हर एक कार्ड के बारे में कुछ बातें नोट करना शुरू करें, जैसे क्लब एकमात्र ऐसा कार्ड या इक्का सेंटर में है। ये सब इस ट्रिक का हिस्सा है। फिर आप अपने दर्शकों को बताएंगे कि उन्हें इनमें से कार्ड को चुनना होगा, तो आप कौन सा कार्ड चुनेंगे इसके बारे में सोचो। सोच लिया, बहुत बढ़िया, लेकिन अभी किसी को मत बताना। इससे पहले कि वीडियो आगे बढ़े, बता दूं कि मुझे पता है कि आप हार्ट वाले 4 के बारे में सोच रहे थे। मैंने सही कहा ना? अगर सही कहा तो मैं वाकई में जेडी मास्टर हूं। हालांकि अगर आपने कोई अलग कार्ड चुना था तो आप अकेले नहीं हैं, लेकिन आप माइनॉरिटी में हैं। बता दूं कि ये ट्रिक ज्यादातर इसलिए काम कर जाती है क्योंकि अक्सर लोग हार्ट वाला 4 चुनते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरे कार्ड बहुत ही प्रेडिक्टेबल हैं। अजीब बात है कि किंग भी सबसे अलग है। 7 एकमात्र काला कार्ड है, 1 ठीक बीच में है और 9 किनारे पर है, इसलिए इसे भी नहीं चुना जाता। इस फिनोमिना को पोजीशन फोर्स कहा जाता है। ऐसा तब होता है जब ज्यादातर सब्जेक्ट्स एक ही तरह से काम करते हैं। तो अब जब आप ये जान ही गए हैं, तो क्यों ना इसे अपने दोस्तों पर आजमाएं और साबित करें कि आप विक की एक साइकिक मास्टर है। कुछ वक्त की संपत्ति। इस अगली ट्रिक के लिए आपको एक टेबल पर 3 चीजें रखनी होंगी, एक लाइटर, एक चीनी का पैकेट और $1 का बिल। इसके अलावा आपके फोन को भी जरा सावधानी से टेबल पर रखें ताकि किसी का इस पर ध्यान ना जाए। आप अपने इच्छुक दोस्त के हाथ में एक पोकर चिप पकड़ाएं और उन्हें चिप को अपनी पसंद की किसी भी चीज पर स्लाइड करने को कहें। इसी बीच आप एक मेंटलिस्ट मास्टर के रूप में उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने का दावा करेंगे और जानेंगे कि वे कौन सी चीज चुनेंगे। दर्शकों में से कोई मेंबर चिप लेगा और ऑब्जेक्ट पर स्लाइड करेगा। मान लीजिए वे चीनी का पैकेट चुनते हैं, तो आप चिप को पलट कर एक नोट दिखाएंगे कि आप चीनी चुनेंगे। आपके दोस्त दंग रह जाएंगे या वो आपको डाइन कहेंगे, डिपेंड करेगा कि वो कितने चालाक हैं। लेकिन यहाँ ट्रिक ये है कि चाहे कुछ भी चुने, लेकिन आपके पास हर एक चीज के लिए पहले से तैयार जवाब छिपा होगा। और अगर आपका दोस्त चिप को लाइटर की ओर पुश करता है, तो लाइटर के अंदर एक नोट छिपा होगा जिस पर लिखा होगा आप लाइटर चुनेंगे। जाहिर है आप एक चिप के पीछे चिपका देंगे या लिखेंगे कि आप चीनी चुनेंगे अगर वे चीनी का पैकेट चुनते हैं। और अगर उन्होंने डॉलर चुना, तो तब आप अपना फोन उठाएंगे और उनको दिखाएंगे कि आपने पहले से ही अपने फोन में वॉलपेपर के रूप में आप डॉलर चुनेंगे सेट किया होगा। इस ट्रिक के स्टाइल को मल्टीपल आउट के रूप में जाना जाता है, और ये दर्शकों की अस्पष्ट सिचुएशन को पहचानने की असमर्थता पर निर्भर करती है, जिससे सिलेक्शन करने में भ्रम पैदा होता है। एक बार जब ट्रिक पूरी हो जाए, तो उन चीजों को वहां से हटाने की कोशिश करें ताकि किसी भी नासमझ दर्शक को उनके अंदर ताका झांकी करने का मौका ना मिल सके। और अगर वे दोबारा ट्रिक देखने को कहें, तो मना कर देना, क्योंकि याद रहे एक बार जो ट्रिक है, दूसरी बार वो एक सबक है मेरे भाई। पर क्या आप जानते हैं कि आपको किस बारे में 2 बार नहीं बताना चाहिए? उन लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाने के बारे में। ऐसा करने से आप हैरान करने वाले फैक्ट्स, हैक्स और ट्रिक्स से अपडेट रह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब मेरे पास और कौन सी ट्रिक है। बीवेस और टच हेड। 2 सिर 1 से बेहतर होते हैं, और इस अगली ट्रिक के लिए ये बात वाकई में सच है, क्योंकि इसे सफलता से अंजाम देने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा आदमी की जरूरत होगी। साथ मिलकर आप दोनों अपने दूसरे दोस्त को साबित करेंगे कि आप दिमाग पढ़ने वाले हैं। 5 मग ले लीजिए और उन्हें एक रो मेज पर रख दीजिए, और सहजता से अपने दोस्तों को बताइए कि आप साइकिक हैं और ये साबित भी कर सकते हैं। अपनी आंखों और कानों को बंद कर लीजिए, या बेहतर होगा कि कमरे से बाहर निकल जाएं। बाकी दोनों पार्टिसिपेंट्स के पास एक सिक्का होगा, जिसे वो अपनी पसंद के किसी भी मग के नीचे छिपा देंगे। ऐसा करने के बाद अब वे आपको बताएंगे कि अब आप देख सकते हैं। अब उनके मन को अच्छे से पढ़ने के लिए आपको अपने हाथ उनके सिर के दोनों ओर रखने होंगे। ऐसा उन दोनों के साथ करें।
अब आप उनके दिमाग को पढ़ सकेंगे और देख सकेंगे कि उन्होंने वो सिक्का रखा कहाँ। मजाक कर रहा हूँ यार। यहाँ असल में क्या हो रहा है कि जब आप उनके चेहरे पर अपना हाथ रखते हैं तो इस बात का इशारा देने के लिए वे अपना जबड़ा कहीं बाहर हिलाएंगे कि सिक्का किस मग के नीचे छपा है। उदाहरण के लिए, अगर सिक्का तीसरे मग के नीचे है तो आपका दोस्त अपना जबड़ा 3 बार हिलाएगा। आपको उनका जबड़ा हिलता हुआ महसूस करना होगा और इससे पता चल जाएगा कि सिक्का कहाँ छिपा है। साथ ही जब आप दोनों के सर को छूओगे तो आप उनके दिमाग की तरंगों को एब्जॉर्व करने का नाटक करते हुए कुछ चिल्लाहट और गूंजने की आवाजें भी निकलवा सकते हैं। इसके बाद आप मग को उठाकर उन्हें सिक्का दिखा सकते हैं, जिसके बाद आपका दोस्त और वो साथी जो खेल खेल रहा है तुरंत आपके सामने इस विश्वास से झुक जाएगा कि आप वाकई में एक पावरफुल भगवान है, या वे आपसे बहुत ही इम्प्रेस हो जाएंगे। ये निर्भर करता है कि आपके मित्र कितने भोले भाले हैं। एक खास चमक। भाई चिंता मत करो, अगली ट्रिक में किसी डरावने होटल में भूतों के वश में होना शामिल नहीं है। हालांकि वे भी एक बढ़िया ट्रिक हो सकती है, लेकिन खैर इस ट्रिक के लिए आपको किसी चमकदार और रिफ्लेक्टिव चीज की जरूरत होगी, जैसे मेटल का कोई चाकू या आपके फोन की काली स्क्रीन। आप इस ट्रिक की शुरुआत अपनी रिफ्लेक्टिव चीज को टेबल पर सावधानी से रखकर करेंगे। फिर आप ताश के कुछ पत्ते टेबल पर फेंक देंगे और अपने दोस्तों को उसमें से एक रैंडम कार्ड को चुनने के लिए कहेंगे। एक बार जब वे कार्ड को चूज कर लेंगे तो इसे आपके हाथ में देने के लिए कहें। फिर अगला कदम आपकी चालाकी पर निर्भर करेगा। इस कार्ड को आप रिफ्लेक्टिव चीज के ऊपर पकड़ें और उसमें देखें कि उनके कार्ड का फेस ठीक आपकी ओर घूर रहा होगा। हाँ, इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, क्योंकि आप ये जाहिर नहीं होने देना चाहेंगे कि आप ताक झांक कर रहे हैं। अपने रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट को इस तरह से सेट करें ताकि कोई और इसकी रिफ्लेक्शन को ना देख पाए। उन्हें अपनी चाल का पता दिए बिना वे कार्ड अपने दोस्तों को वापस पकड़ा दें और उनसे कहें कि इसे बाकी डेक के साथ मिला दें। कार्ड्स को अच्छे से शफल करने के बाद अब आप सही कार्ड निकाल लेंगे, जिससे वो दंग रह जाएंगे। बहुत बढ़िया। आप इस ट्रिक में सुधार करने की कोशिश भी कर सकते हैं। अगर आप अपने फोन को ऑन करते हैं और आपका कोई साथी बैक कैमरा का इस्तेमाल करके चोरी से आपको वीडियो कॉल भी कर सकता है, फिर कार्ड को फोन की स्क्रीन के सामने रखने के बजाय जब आप इसे फोन के कैमरा के ऊपर पकड़ेंगे तो दूसरे छोर पर बैठे साथी को ये कार्ड अच्छे से दिखाई देना चाहिए। फिर वे आपको टेक्स्ट भेजकर बता सकते हैं कि कौन सा कार्ड है, लेकिन फिर आपको उत्तर जानने के लिए चतुराई से अपने फोन की स्क्रीन को देखना होगा। तो इस ट्रिक की सफलता आपके हाथ की साइट या हाथ की सफाई पर निर्भर कर सकती है। मैथमेजिशियन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मैथ्स में कितने अच्छे हैं, आप इस अगले ट्रिक की शक्ति से मैथमेटिक्स के जादू से लोगों को हैरान कर सकते हैं। तो 5 सेंट सिक्के लीजिए और आपको इनमें से 1 सेंट को आधा काटना होगा। अब सभी सिक्कों को आपके द्वारा काटे गए सेंट के सिक्के का आधा हिस्सा भी एक लिफाफे में डालकर एक तरफ रख दें। चिंता मत करो, सब सामने आ जाएगा। जब आप ट्रिक शुरू करते हैं तो पहले अपने दोस्त को बताएं कि आप पहले से ही उसका फाइनल उत्तर जानते हैं, और फिर आप उन्हें 10 और 100 के बीच एक नंबर बताने के लिए कहें। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका दोस्त 30 कहता है, फिर आप अपने दोस्त से उस नंबर के डिजिट्स को ऐड करने के लिए बोलेंगे। जब वे नंबर 3 के साथ ऐसा करते हैं तो उन्हें 3 और 0 मिलेंगे, फिर वे 3 और 0 को जोड़ देंगे जिससे आपको 3 मिलेगा। जब उनसे इस 3 को ओरिजिनल नंबर से घटाने के लिए कहें जिससे और ज्यादा रैंडम नंबर बन जाएगा, 30 में से 3 घटाकर हमें 27 मिलेगा। क्या आप मेरे साथ हैं? तो अब अपने दोस्तों से कहें कि वे इस प्रोसेस को तब तक दोहराते रहें जब तक कि उन्हें 1 डिजिट वाला नंबर ना मिल जाए। तो ये 1 डिजिट वाला नंबर होगा 9। लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा? हाँ, तो ये गारंटी है कि अगर आप ओरिजिनल नंबर मिलने वाले हर 1 डिजिट को घटाते हैं तो रिजल्ट हमेशा 9 का मल्टीपल होगा। देखिए, मैं सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं हूँ। बेशक आप उनसे इस नंबर को अपने दिमाग में रखने के लिए कह सकते हैं और फिर बता सकते हैं कि उनका नंबर 9 है, जिस पॉइंट पर आपका दोस्त काफी इंप्रेस होगा। लेकिन यहाँ आप उन्हें और ज्यादा इंप्रेस कर सकते हैं, बस उनसे अपने फाइनल नंबर को आधा करने के लिए कह दें। तो आप में से मैथमेटिक्स के दिमाग वाले लोगों ने पहले ही पता लगा लिया होगा कि ये 4.5 है। एक बार जब आपका मित्र ऐसा कर ले तो आपके द्वारा अलग रखे गए लिफाफे को पकड़ें और उसमें 4.5 सेंट तो है ही, इसका मतलब 4 सेंट और हाफ कॉइन। हाँ, ये पैसे का बात करने का एक तरीका है। डूडलिंग अनुमान। मुझे ये अगली ट्रिक वाकई पसंद है, क्योंकि इससे आप अपने अंदर के कलाकार को बाहर निकलने का मौका देते हैं। ताश के डेक का एक कार्ड लीजिए और अपने दोस्त को थमा दीजिए। उसे इस पर कुछ बनाने के लिए 1 मिनट का समय दें। जरूरी नहीं कि वो माइकल एंजेलो को ड्रॉ करे, लेकिन ये पहचानने योग्य होना चाहिए। अब जो भी उन्होंने बताया उसे आपको बिना दिखाए ही अपने दोस्त से ये कार्ड वापस देने को कहिए। उन्हें कार्ड दिखाकर ये सुनिश्चित करें कि वो खुश है, और बाकी डेक के साथ कार्ड को आराम से मिला दें।
एक बार जब वे कन्विंस हो जाएं, तो आप उनके दिमाग को पढ़ सकेंगे और देख सकेंगे कि उन्होंने किस तस्वीर की कल्पना की थी या वे उसके बारे में सोचेंगे। इस ट्रिक को सफलता के साथ करने के लिए आपको कन्विंसिंग कंट्रोल कार्ड ट्रिक सीखने की जरूरत होगी। एक बार जब आपका दोस्त कार्ड को वापस डेक में डाल दे, तो आप अपने हाथों को एक साथ लाएं और अपनी उंगलियों से डेक को पकड़ लें। अब अपने बाएं अंगूठे का इस्तेमाल करते हुए खींचे गए कार्ड को अपने दूसरे हाथ की मिडिल और रिंग फिंगर के नीचे सावधानी से स्लाइड कर दें। अब डेक के दोनों हिस्सों को बड़े आराम से एक साथ मिला दें और निकाले गए कार्ड को छिपा दें। अब अपने अंगूठे का इस्तेमाल करके फर्जी कार्ड को ऊपर की ओर स्लाइड करें ताकि वो डेक से बाहर निकल जाए। आपके दर्शक गलती से मान लेंगे कि ड्रॉ किया गया कार्ड यही है, जबकि असली कार्ड पैक के नीचे छिपा रहता है। ट्रिक को पूरा करने के लिए डेक के निचले आधे हिस्से को लें और इसका इस्तेमाल बाहर निकले हुए फर्जी कार्ड को दूसरे कार्डों के साथ वापस मिलाने के लिए करें। असली कार्ड अभी भी नीचे की तरफ है, तो जब आप फर्जी कार्ड को पुश करेंगे तो आपकी नजर सीधे उस पर जाएगी और अपने दोस्त की बनाई गई तस्वीर देख पाएंगे। किसी के सामने प्रदर्शन करने से पहले कन्विंसिंग कंट्रोल की प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब कार्ड को लें और अपने दोस्तों से कल्पना करने के लिए कहें कि उन्होंने बनाया क्या है। जैसे ही वे ऐसा करेंगे, तो उनकी आंखों में देखें और ये भ्रम पैदा करें कि आप वाकई उनके दिमाग की सबसे गहरी गहराई में झांक रहे हैं। फिर आप उनकी ड्राइंग की नकल उतार सकते हैं। हालांकि कोशिश करें कि यह आपने दोस्त की तस्वीर से ज्यादा मिलता जुलता ना हो, वरना उनको संदेह हो सकता है। अब डेक में असली कार्ड को निकाल लें और उनको दिखाएं कि उन्होंने क्या बनाया है, और फिर बताएं कि आपने क्या बनाया है, और फिर उन्हें टिन फॉइल को टोपी में खुजली करते हुए देखें। फोनी फोनीज, क्या आपको डर है कि कोई आपके फोन में घुस जाएगा और आपके सभी भयानक सीक्रेट्स एक्सपोज हो जाएंगे? शायद ऐसा सिर्फ मैं हूं। देखिए कैसे आप अपने दोस्तों के मोहरे के रूप में इस्तेमाल करके इस दिमाग पढ़ने वाली ट्रिक को आजमा सकते हैं। सबसे पहले अपने किसी दोस्त को अपना फोन निकालने के लिए कहें। इस ट्रिक के लिए ये एक आईफोन होना चाहिए। उन्हें 6 डिजिट का कोई भी नंबर बनाने और उसे अपने कैलकुलेटर में टाइप करने के लिए कहें। फिर उन्हें प्लस दबाना चाहिए। अब उनसे एक ऐसा नंबर टाइप करने के लिए कहें जो उनके लिए खास हो, जैसे कि सबसे खास नंबर उनके फोन का पासकोड। एक बार जब वे ऐसा कर लेते हैं, तो उन्हें इक्वल प्रेस करने के लिए कहें। इससे उन्हें एक रैंडम नंबर मिलेगा। अब उन्हें क्लियर दबाने के लिए कहें, जो कैलकुलेटर को वापस 0 पर ले आएगा। इसके बाद अपने दोस्त से पूछें, क्या आप उनका फोन ले सकते हैं? मैं मान लेता हूं कि आप किसी करीबी दोस्त से पूछेंगे, ना कि किसी अनजान अजनबी से। हालांकि वे ना चाहते हुए, लेकिन आपको अपना फोन सौंप देते हैं। तभी आप इक्वल प्रेस करें। ऐसा करने से उनका टाइप किया हुआ आखिरी नंबर सामने आ जाएगा, जो अगर उन्होंने पहले आपका वो सुझाव माना होगा तो उनका पासकोड होना चाहिए। किसी के देखने से पहले आप इसे याद कर लें और क्लियर प्रेस करके फिर से इसे 0 कर दें। जब आप ऐसा कर रहे हों, तो दिखावा करें कि आप उनके लिए उनका फोन लॉक करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन फिर अपना मन बदल लें और इसके बजाय उनसे खुद ऐसा करने के लिए कहें। इस बात से आपका उनका फोन लेने का कारण और ज्यादा जायज लगेगा। इसे वापस सौंपने पर आपका दोस्त मान लेगा कि कुछ भी नहीं बदला है। उनसे कहें कि वे अपना फोन लॉक कर दें और आपको वापस सौंप दें, ये मानते हुए कि उनका फोन बुरी नजरों से पूरी तरह सेफ है। उन्हें खुशी से ऐसा करना चाहिए। अब आप उनके दिमाग को पढ़ने का नाटक कर सकते हैं, उनके फोन के पासकोड का अनुमान लगा सकते हैं और आसानी से लॉग इन कर सकते हैं। उनकी वे सभी बुरी तस्वीरें सामने आ जाएंगी। शायद मैं फिर से अपने बारे में सोच रहा हूं। अब जो भी हो, लेकिन अगली बार वे अपना फोन किसी ऐसे इंसान को देने के लिए इतने उत्सुक नहीं होंगे जिसके पास नुकीली टोपी और जादू की छड़ी होगी। लेटर रेप। हम सभी जानते हैं कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, लेकिन ये अगली ट्रिक आपके कुछ दोस्तों को ऐसा सोचने पर मजबूर कर सकती है। तो चलो इसकी शुरुआत पुराने $1 के बिल के साथ करें, और ये जितना पुराना और सिकुड़ता हुआ होगा उतना ही बेहतर होगा। आप इसे अपने या किसी दोस्त के बिल के साथ कर सकते हैं। यह आपकी मित्रता की वर्तमान कंडीशन पर निर्भर करता है। खैर, आप जो करने जा रहे हैं वो बिल को फाड़ना है और जॉर्ज वाशिंगटन के चेहरे को मोड़ देना है, जिससे आपके दर्शकों और खासकर डॉलर के मालिक को बहुत बड़ा झटका लगेगा। अगर आप अपनी ट्रिक में थोड़ा उत्साह भरना चाहते हैं, तो आप फटा हुआ टुकड़ा लेकर उसे खा सकते हैं। इसका पुदीने जैसा स्वाद है। लेकिन जहां जादू शुरू होता है, बिल को पूरी तरह से खोल दें और वोइल, जॉर्ज का चेहरा हैरानी से अपनी असली शक्ल के साथ वापस लौट आएगा। लेकिन कैसे? देखिए, आप ऐसा कर सकते हैं। बिल को लें और इसे आधा मोड़ दें ताकि जॉर्ज का सिर घुमावदार रहे। उसके लिए किनारों को कस दें और अपने अंगूठे से सिर को मोड़ दें। अब बिल को पिच करें ताकि जब आप सिर को चीरने का नाटक करें, तो दर्शकों को इसके कटने की आवाज सुनाई दे। फिर अपनी अंगुली और अंगूठे को एक साथ रखें, जिससे ऐसा लगे कि आप फटे हुए टुकड़े को उनके बीच में से पकड़ रहे हैं। अब बिल के दोनों किनारों को नीचे की ओर मोड़ें
ताकि फटा हुआ भाग दिखाई दे और इसे अपने बाएं हाथ में पकड़ लें। बिल के सामने वाले हिस्से को अपने दर्शकों की तरफ रखें। अब आपके द्वारा बनाए गए तह के पंखों को जल्दी से खोल दें। और हे प्रिस्टो, डॉलर पूरी तरह से जुड़ गया है। बिल को कसकर खींचने से फटी हुई तह बिना किसी निशान के वापस अपनी सामान्य शेप में आ जाती है। फटे हुए टुकड़े को उठाकर खाने का नाटक करने से आपकी जादूगरी थोड़ी बढ़ जाएगी। अपना पैसा वहीं लगाने के बारे में बात करें जहां आपका मुंह है, समझ गए? बस एक चुटकी नमक। क्या आप भोजन के समय लोगों को इम्प्रेस करने की कोई ट्रिक चाहते हैं? मैं इससे बेहतर समय के बारे में नहीं सोच सकता। आपको अपने दर्शकों के विपरीत दिशा में एक टेबल पर बैठना होगा। टेबल पर एक सिक्का रखें और गर्व से दावा करें कि आप उनकी आंखों के ठीक सामने उस सिक्के को गायब कर सकते हैं। अब एक सॉल्ट शेकर को लें और इसे एक अच्छे कपड़े से ढक दें। अब शेकर उठाकर इसे सिक्के पर 2-4 बार थपथपाएं। अब सबसे जरूरी बात आती है कि कहें कि आप सिक्के को गायब कर देंगे। 3, 2, 1 और अपने दोनों हाथों से शेकर को सिक्के पर पटकें। कपड़ा सिकुड़ जाएगा और जाहिर है कि शेकर गायब हो जाएगा। मैंने ये कैसे किया बता दूं? आपको कपड़े से ढके शेकर को बहुत ही सावधानी से अपने नजदीक टेबल के किनारे पर ले जाना होगा। नैपकिन पर अपनी पकड़ ढीली करें जिससे शेकर आपकी गोद में गिर जाएगा, लेकिन नैपकिन को ऐसे पकड़ें जैसे कि शेकर अभी भी उसके नीचे छिपा है। ये नैपकिन इतना मोटा होना चाहिए कि आपकी गोद में गिरने के बाद भी ये शेकर के इंटेंट को बरकरार रखना चाहिए। अब हैरान और परेशान करने का नाटक करें ताकि ऐसा लगे कि आपने गलती से सिक्के के बजाय शेकर को गायब कर दिया है। आपके दोस्त वाकई इंप्रेस हो जाएंगे ये मानते हुए कि वे इसके बारे में ज्यादा सॉल्टी ना महसूस करें। एक पर्सनल सवाल। मान लीजिए कि आप एक टेबल पर 3 अजनबियों के साथ हैं, ब्रायन, अरुण और विल। यह बात शुरू करने का एक शानदार तरीका है। ब्रायन को कॉन्फिडेंटली ये बताकर शुरुआत करें कि आप उस इंसान के नाम को सोच सकते हैं जिसके साथ उसने पहला किस किया था। तब तक आप कागज पर अपना अनुमान लिख देते हैं जिसे उनमें से कोई भी नहीं देख पाए, लेकिन यहाँ असल में आपको उस कार्ड का नाम लिखना है जो आप विल को देने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए ये 5 हार्ट है। इस कागज को दूर रखें ताकि इसके साथ छेड़छाड़ ना की जा सके और लॉक इन शीट का परिचय दें जिसके बारे में आप कहेंगे कि ये किसी को भी अपने उत्तर से पीछे हटने के रोकने के लिए है। अब ब्रायन से उसके पहले किसका नाम पूछें और मान लीजिए कि वो सारा है। अब आप अरुण की तरफ जाकर जादुई ढंग से उसके पहले पेट के नाम का अनुमान लगाएं और अपनी प्रोडक्शन जो असल में सारा नाम है उसे एक कोरे कागज पर लिख लें। इसके बाद एरोन अपने पहले पालतू जानवर का नाम बताएगा। मान लीजिए कि ये एलेक्स नाम का कुत्ता था, इसलिए आप लॉक इन शीट में अरुण इक्वल टू एलेक्स जोड़ देंगे। अब आखिर में कार्ड ट्रिक के लिए विल पर ध्यान दें जो से आपका सोचा हुआ कार्ड चुनने में मदद करेगा। इसके लिए आप क्रिस क्रॉस फोर्स परफॉर्म करेंगे जो ट्रिक के अंदर एक ट्रिक है। बहुत बढ़िया। अब 5 ऑफ हार्ट कार्ड को डेक के टॉप हिस्से पर रख दें। अब विल डेक को स्प्लिट करेगा और फिर हिस्सों में क्रॉस में रखेगा। इसके बाद आपको शायद विल से एक सवाल पूछकर उसका ध्यान भटकाना होगा। एक बार जब वो भटक जाए तो उसे डेक के टॉप के कार्ड को देखने के लिए कहें। आप जानते हैं कि ये 5 ऑफ हार्ट है, लेकिन हो सकता है कि दूसरों को यह एहसास नहीं होगा कि डेक को काटने से ट्रिक पर कोई असर नहीं पड़ा है। इसके बाद अपने सब्जेक्ट को पेपर पास करें। ब्रायन को जो पेपर मिलेगा उससे उस पे सारा लिखा होगा, एरुन को जो पेपर मिलेगा उस पे एलेक्स लिखा होगा और विल को जो पेपर मिलेगा उस पे 5 ऑफ हार्ट्स लिखा होगा। वो सभी मान लेंगे कि आप वाकई में जादूगर हैं। बेशक इस ट्रिक में कहीं वेरिएशंस हैं। आखिरी पार्टिसिपेंट के लिए आप एक साधारण सा हाँ या ना वाला सवाल का अनुमान लगा सकते हैं। अगर आप इसे गलत करते हैं तब भी आपके पास 3 में से 2 उत्तर तो सही होंगे। या हो सकता है कि आप विल को अपने साथी के तौर पर रखें और दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए आपके पास पहले से तैयार जवाब हो। क्लासिक विश्वासघाती विल। गुप्त कैलकुलेशन। मुझे आशा है कि आपको मैथ पसंद होगा, इसलिए मेरे पास आपके लिए एक और ट्रिक है। तो शुरू करने से पहले अपने हाथ में मुड़ा हुआ एक कागज का टुकड़ा लें। अपने दोस्तों से फोन पर अपना कैलकुलेटर खोलने के लिए कहकर शुरुआत करें। उन्हें 3 डिजिट्स का कोई नंबर टाइप करने के लिए कहें और ध्यान रहे कि हर एक डिजिट अलग हो। उदाहरण के लिए वो 1, 2, 3 चुन सकते हैं, लेकिन उन्हें इससे ज्यादा कुछ अलग बनाने की कोशिश करने के लिए कहें। इसके बाद उनके द्वारा चुने गए नंबर को उल्टा करने के लिए कहें। तो अगर उन्होंने 1, 2, 3 चुना था तो अब ये 3, 2, 1 हो जाएगा। और अब रोमांचक कैलकुलेशन का समय आ गया है। उनसे कहें कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दें ताकि अगर वे बोरिंग थे और उन्होंने 1, 2, 3 चुना था तो अब उन्हें इसे 3, 2, 1 से घटा देना चाहिए जिसका रिजल्ट 198 होगा। फिर उन्हें इस नंबर को एक बार फिर से उल्टा करने की जरूरत है। तो
तो इस मामले में 198891 हो जाएगा। यहां ट्रिक फाइनल रूप ले लेती है, उनसे उल्टे और नई संख्या दोनों को ऐड करने के लिए कहें। तो अब उन्होंने शुरू में चाहे जो भी नंबर चुना हो, लेकिन आखिरी नंबर हमेशा 1089 ही होगा। अब इससे पहले कि वो अपनी कुल संख्या बताएं, कागज का वो टुकड़ा निकाल लें जो आपने पहले तैयार किया था, जिस पर आपने 1089 लिखा होगा। अपने दोस्त को मन पर आप हावी होने से बचाने के लिए एक कदम पीछे हट जाएं। हालांकि इस टोटके को परफॉर्म करने से कुछ पहले बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे आपका दोस्त 132 चुनता है तो घटाने के बाद उसका परिणाम 99 होगा। तो इससे बचने के लिए पहले सब्स्ट्रैक्शन के बाद कुछ ऐसा कहें, क्या आपके पास दो डिजिट का नंबर हो सकता है? अगर हाँ तो ठीक है, लेकिन चीजों को कंसिस्टेंट बनाए रखने के लिए इसको तीन डिजिट वाले नंबर में बदल दें, जिसके लिए आखिर में जीरो लगा लें और फिर बूम, फुल प्रूफ। एक काला जादू। क्या आपके दोस्तों का कोई रहस्य है जिससे वे आपको नहीं शामिल करना चाहते? खैर, यहां एक ट्रिक है जो आपको अंधेरे में नहीं रहने देगी। कल्पना कीजिए, आप और आपके दो दोस्त, हम उन्हें बैरी और पॉल कह सकते हैं, और एक टेबल पर बैठे हैं जो चारों ओर से ढेर सारी चीजों से भरा हुआ है। बैरी और आप दोनों पॉल से दावा करते हैं कि आप एक दूसरे के दिमाग को पढ़ सकते हैं। ऐसा साबित करने के लिए आप कमरे के बाहर चले जाते हैं और फिर बैरी और पॉल एक साथ एक ऑब्जेक्ट को उठाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ये एक पीले रंग की पेंसिल है, और जब आप वापस लौटेंगे तो एक एक करके बैरी हर ऑब्जेक्ट की ओर इशारा करके पूछेगा कि क्या ये वही है, और आप अकॉर्डिंगली उत्तर देंगे नहीं। आखिर में बैरी उस पीली पेंसिल की ओर इशारा करेगा और पॉल को हैरान करते हुए आप कहेंगे हाँ। तो क्या आपने और बैरी ने असल में किसी तरह का मानसिक लिंक बनाया? नहीं। चलिए बताता हूं कि आप ये कैसे कर सकते हैं। आप और बैरी पहले से ही बात करके रखेंगे कि काले ऑब्जेक्ट के बारे में बताने के बाद वो असल ऑब्जेक्ट की ओर इशारा करेगा। तो पीली पेंसिल के मामले में आप पेंसिल के बारे में पूछने से ठीक पहले अपने साथी से पूछेंगे कि क्या काला फोन उदाहरण के लिए सही है, इसीलिए इसे काला जादू कहा जाता है। तो अब आप रहस्य जान गए, इसलिए इसे अपने मासूम दोस्तों पर आजमा सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट्स को इधर उधर फेंकने की कोशिश भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अल्टरनेट कोड रखने होंगे, और जब आप एक बार काले ऑब्जेक्ट का रूटीन पूरा कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपके लिए सही चीज वो हो जो सातवीं हो, या सबसे बड़े ऑब्जेक्ट के बाद वाली चीज हो सकती है। आप अपने दिमाग को अपने हिसाब से चलाएं। इसी के साथ हम अंत तक पहुंच गए हैं। आप इनमें से कौन सी ट्रिक अपने दोस्तों पर आजमाने जा रहे हैं और आपकी सबसे पसंदीदा कौन सी है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हां, देखने के लिए शुक्रिया।